अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की इस वीडियो में हम आपको होंडा सिविक की न्यू शेप के बारे में बताएंगे कि कौन से नए फीचर्स होंडा सिविक ने अपनी फेसलिफ्ट में इंट्रोड्यूस करवाए थे। फेसलिफ्ट जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 में एक भरपूर मार्केटिंग कैंपेन के बाद होंडा सिविक ने लॉन्च की थी, जिस कैंपेन का नाम था बकल अप। हम अपनी इस वीडियो में उन चीज़ों को सबसे पहले हाईलाइट करेंगे जो होंडा ने न्यू शेप में ऑफ़र की है। एक्सटीरियर में एलईडी हेडलैम्प्स दी गई हैं, पहले मॉडल में मौजूद नहीं थी। फॉग लैम्प्स एलईडी कर दी गई हैं। फॉग लैम्प्स के साथ कवर को क्रोम कर दिया गया है। गाड़ी के व्हील्स 15 इंच के बजाय 16 इंच के कर दिए गए हैं। फेसलिफ्ट का जो लैंडमार्क चेंज है वो शार्क फिन एंटीना है। दोस्तों गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट होगी। आज की इस वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि हम आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक ब्रेक को किस तरह ऑपरेट किया जाता है और ब्रेक होल्ड का क्या फंक्शन है। गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल को मैंने एडजस्ट किया। अब हम बाकी फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। कुछ फंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं, इनके बटन्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं, जैसे कि इको मोड का बटन है। लेफ्ट हमारे राइट साइड पे हमारा पार्किंग ब्रेक है और ये ब्रेक होल्ड का बटन है। अब हम इन तमाम फीचर्स के बारे में आपको बताते हैं कि इनका क्या काम है। स्क्रीन आप देख सकते हैं कि पार्किंग साइन आपकी मीटर पर नज़र आ रहा है। अब आपको जिस तरह नॉर्मल पार्किंग हैंड ब्रेक आप डाउन करते हैं, इस तरह डाउन कीजिएगा। अब आप देखें सामने कोई भी साइन नहीं है, तो गाड़ी हैंड ब्रेक इसकी डाउन हो चुकी है। अब मैं ब्रेक होल्ड को ऑन करता हूँ तो ब्रेक होल्ड आपकी मीटर के ऊपर ग्रीन लाइट शो हो जाती है, राइट साइड पे आप देख सकते हैं। इस तरह अगर मैं इको मोड को ऑन करता हूँ तो आपके लेफ़्ट साइड पे ग्रीन लाइट शो हो जाती है। इको मोड हम फ्यूल एफिशिएंसी के लिए ऑन करते हैं और ब्रेक होल्ड हम हैंड ब्रेक को अवॉइड करने के लिए ऑन करते हैं। अब हम देखते हैं कि ड्राइविंग साइड डोर पे जो कंट्रोल्स हैं, इन फंक्शंस के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि राइट लेफ़्ट बटन के ज़रिए हम राइट और लेफ़्ट मिरर एडजस्ट करते हैं और ये बटन के ज़रिए हमारे मिरर्स बंद हो जाते हैं। इस बटन के ज़रिए हम अपने दरवाज़ों के मिरर्स को लॉक कर सकते हैं। पहले दोनों डोर्स के मिरर्स ऑटो हैं और दूसरे रेगुलर हैं। इस बटन के ज़रिए हम गाड़ी का ट्रंक ओपन कर सकते हैं। आप इसको प्रेस करेंगे और गाड़ी का ट्रंक ओपन हो जाएगा। और अब हम गाड़ी के बोनट के हवाले से बात करेंगे। ये बटन गाड़ी का हुड ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ी के बैक पर मौजूद साइड कवर्स को भी क्रोम किया गया है। गाड़ी में बैक सीट की सीटिंग स्पेस मुनासिब है। होंडा ने फेसलिफ्ट में गाड़ी के इंटीरियर के अंदर कोई चेंज नहीं दिया है। आप देख सकते हैं तमाम इंटीरियर पहली गाड़ी की तरह ही हैं। चारों व्हील्स में डिस्क एबीएस ब्रेक है। अब हम आपको ट्रंक दिखाते हैं। स्टार्ट में होंडा ने ट्रंक ट्रे और कारपेटिंग फ्री में दी थी, जो बाद में यूटिलिटी पैकेज का पार्ट बना दिया है, जिसकी कीमत 35,000 रुपये है। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि फ्रंट और बैक के साइड कवर्स को क्रोम कर दिया गया है। होंडा ने अपने फेसलिफ्ट में इंजन के अंदर कोई चेंज नहीं दिया।
अब हम आपको सनरूफ ओपन करना बताते हैं। सनरूफ के बटन को आप प्रेस करेंगे। अब हम आपको बाहर से दिखाते हैं, ये टिल्ट फॉर्म में आ गया है। अब अगर हम इस बटन को पुश करें तो मुकम्मल सनरूफ खोल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये गाड़ी का बैक कैमरा है। अब हम आपको गाड़ी के रिमोट से गाड़ी की को अलग करना दिखाते हैं। आपने इस छोटे बटन को मुखालिफ सिम्त में पुश करेंगे तो आप गाड़ी की को अलग कर सकते हैं। अब मैं अपने दोस्तों को गाड़ी का 360 व्यू दिखाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं चाहूंगा कि प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।